प्रयासों की मदद से जो भी भाषा संविधान के 8वें शेड्यूल में शामिल हुई है, जिसके फलस्वरूप मेरे जैसे आम नागरिक को ये यश और सम्मान प्राप्त हुआ है, जिसको हासिल करना तो दूर, बल्कि मैं तो उसकी कल्पना तक नहीं कर सकता था। अब आपको जो बताना चाहता हूँ, डोगरी के प्रसिद्ध साहित्यकारों के अनुसार मेरे बारे में जो उन्होंने साहित्यकारों ने बोला है, वो क्लब करके लिखा हुआ है मैंने, अनुसार राजे की कहानियों में पिछले 4 दशकों के भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों का भरपूर चित्रण देखा जा सकता है। 1985 के दशक से प्रकाशित हो रही उनकी कहानियों में आम आदमी के जीवन के सभी रंगों का चित्रण मिलता है, क्योंकि राजे जी भारत के जम्मू कश्मीर राज्य से हैं, इसलिए भारत पाकिस्तान के युद्ध तथा आम सिपाही और उसके परिवार पर युद्ध जैसी सार्वभौमिक समस्याओं का असर का चित्रण उनकी कहानी में देखा जा सकता है। कहानी में परिस्थितियों में संघर्ष के कारण पात्रों की मानसिकता में उपजे संघर्ष को बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। हाशिए पर खड़े आम आदमी का दर्द, वेदना, उदासीनता का वो राजे जी अपनी कहानियों में बड़े ही सुंदर तरीके से चित्रित करते हैं। उनकी कहानियों के पात्र किसी भी पाठक के इर्द गिर्द के आदमियों जैसे सजीव और यथार्थ को बोलते हुए आम इंसानों की तरह दिखाई देते हैं। कहानी का प्रस्तुतिकरण इतनी खूबसूरती से होता है कि हर पाठक को राजे जी की कहानी में अपनी कहानी दिखाई पड़ती है। मैं एक बार फिर अपने मन की गहराइयों से अपने जुगल प्रदेश डोगरा और